हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह चाइनीज़ क्यूजीन बहुत पसंद है तो आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। चिकन शैशली केक बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली डिश है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन को क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें मैंने 1 tablespoon क्रश्ड गार्लिक ऐड किया है। नमक अपने हिसाब से ऐड करना है। अब हमें 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है। 1 tablespoon शुगर ऐड करनी है। 1 tablespoon रेड चिलीज़ को क्रश करके ऐड करना है। 1 tablespoon विनेगर ऐड करना है और 3 tablespoon सोया सॉस ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इस चिकन को हमें आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। आधे घंटे बाद हमें एक कढ़ाई में 3 tablespoon ऑयल को गरम करना है। इसमें ये मैरिनेटेड चिकन फ्राई कर लेना है। इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पका लीजिए। तो लीजिए, चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। इसमें जो पानी है हमें इसे अच्छे से ड्राई कर लेना है। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसे एक प्लेट पर निकाल लीजिए। अब इसी कढ़ाई में हमें एक प्याज जिसे मैंने क्यूब्स में कट किया है, एक शिमला मिर्च इसे भी मैंने क्यूब्स में कट किया है और 2 टमाटर लिए जिसके मैंने सीड्स निकाल लिए हैं, इसे भी क्यूब्स में मैंने कट किया है। इसे हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से सॉटे कर लेना है। इसे भी एक प्लेट पर निकाल लीजिए। अब कढ़ाई में 1 tablespoon ऑयल गरम कर लीजिए। इसमें 1 teaspoon क्रश्ड गार्लिक ऐड करना है और इसे अच्छे से भून लेना है। इसमें 1/2 cup टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे अच्छे से भून लीजिए। अब 3 tablespoon टोमेटो केचप ऐड करना है। थ्री टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करना है। 1 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon विनेगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें 1 teaspoon क्रश्ड रेड चिलीज को ऐड करना है। 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। 1/2 teaspoon शुगर ऐड करनी है और नमक अपने हिसाब से डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ग्रेवी को पकने दीजिए। अब यहाँ मैंने 1/2 cup पानी ऐड कर लिया है और इसे हमें पकने रखना है। जब ग्रेवी पक जाएगी तो 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर को हमें पानी में अच्छे से घोलकर इस ग्रेवी में ऐड करना है ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी तो हमें हमारा फ्राइड किया हुआ चिकन और फ्राई की हुई हमारी वेजिटेबल्स जो है उसे ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। तो लीजिए, हमारी चिकन शैशली की ग्रेवी तैयार है। इसे फ्राइड राइस के साथ या नॉर्मल राइस के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे सेसमी सीड्स के साथ गार्निश कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।